नमस्कार दोस्त। देखिए, अभी बिहार में जो है जमीन सर्वे की प्रक्रिया जो वो पुनः शुरू हो चुकी है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप लोग भी जमीन सर्वे करवाना चाहते हैं तो किस तरह से सर्वे करवाएंगे, यानी कि अगर हम मेन मेन पॉइंट की अगर हम बात करें तो सर्वे करवाने में हमें पेमेंट जो है वो कितना खर्चा होगा, सर्वे का फॉर्म जो है वो हम किस तरह से भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो है आगे का प्रक्रिया क्या होगा, यानी कि जब हम सर्वे में फॉर्म को दे देंगे तो हमें जो है उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद क्या क्या करना होता है। और उसके बाद देख लीजिए, बहुत सारे केस में क्या होता है कि भाई का जो है वो बंटवारा हो चुका होता है, या फिर देख लीजिए बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि पिताजी के नाम पर जमीन रहता है, पांच भाई रहते हैं, एक दो भाई बेच दिए हैं जमीन को, अब बचे तीन भाई, तो उस जमीन पर जो है उसका किस तरह से सर्वे हम करवाएंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्त, चैनल पर पहली बार किया है तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको एक एक करके और थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, एक एक करके हम सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो प्लीज प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर ही वॉच कीजिएगा, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगा। अब देखिए, मेरे तरफ जो है ऑलरेडी सर्वे हो चुका है दोस्तों। ये रहा उनका जो है रिसिप्ट, यानी कि सर्वे होने के बाद जो है कुछ हमें इस तरह का एक रसीद मिलता है, जो कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख रहे हो। ठीक है, इस तरह का रसीद आप लोगों को भी मिलेगा। आपको एक एक करके सभी जानकारी देते हैं, बस आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि सर्वे जो है, मतलब सर्वे हम करवाएंगे तो सर्वे में कौन कौन सा पेपर लगेगा और किस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए सर्वे का जो है पहला नंबर हम आपको बता दें कि उसका कैंप लगता है। ठीक है, वो आपके पंचायत में भी लग सकता है या फिर आपके ब्लॉक में भी लग सकता है कैंप। ठीक है, या फिर अगर कैंप के बारे में आपको पता नहीं चलता है तो आपको ब्लॉक में जाकर के जो है पता करना होता है कि आपके पंचायत का जो है सर्वे ऑफिस कहाँ पर है। अगर आप पूछेंगे तो फलाने पंचायत का जो है सर्वे, जो जिनके माध्यम से सर्वे होता है, उसका डेरा कहाँ पर है या फिर उसका ऑफिस कहाँ पर है, तो वहां पर आपको गाइड कर देते हैं। वहां पर आपको जाकर के आप ऑफलाइन भी, मतलब इसमें आवेदन दे सकते हैं, फिर ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो हम आपको दोनों प्रक्रिया बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए कि सर्वे किस तरह से होगा। चलिए, यहाँ पर जो है देख लीजिए, फर्स्ट में जो हम लिखे हैं यहाँ पर केवाला का छाया प्रति। ठीक है, अब समझिएगा, देखिए आपके पास जमीन होगा तो वो जमीन कहीं ना कहीं आपके नाम पर होगा, या फिर आपके पिताजी या फिर दादाजी, किसी न किसी के नाम पर होगा, लेकिन उस जमीन का जो है आपके पास पेपर अवश्य होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि खतिहान होगा, अगर खतिहानी जमीन है तो जमीन का खतिहान हुआ। बाय द वे, अगर कहीं से हम परचेज किए हुए जमीन को तो वो जमीन का केवाला होगा मेरे पास। ठीक है, तो खतिहान हो चाहे केवाला हो। ठीक है, अगर बाद में मान लेते हैं मेरे पास खतिहान है जमीन का, तो हम खतिहान का जीरोक्स करके लगाएंगे। ठीक है, एक जीरोक्स जो है इनका हम करवा लेंगे, इनका, ये केवाला का, अगर केवाला जमीन हुआ तब। ठीक है, अगर बाद में मगर खतिहानी जमीन है, मतलब पुश्तैनी जमीन है, खतिहान है उसका, तो खतिहान का भी हम एक जीरोक्स करवा लेंगे, और बाद में केवाला का जमीन है तो हम केवाला का जीरोक्स करवा लेंगे। अब जितना भी प्लॉट होगा मेरे पास, सबका हम अलग अलग करवाएंगे सर्वे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक में ही सभी को दे देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको देखिए, जितना भी जमाबंदी अलग है ना आपका, सबका अलग अलग आप करवाइए। ठीक है, अब देखिए आपको जो सर्वे में पेपर लगाना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो हम आपको बताइए दिए कि एक आपको अगर केवाला जमीन है तो केवाला का जीरोक्स लगाइए, अदरवाइज खतियानी जमीन है तो खतियान का एक जीरोक्स लगाइए। उनके बाद जो है आवेदक का एक आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। जो भी आवेदक होंगे, जो जिसके नाम पर जमीन करवाना है, उनका आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। तो उनमें जो देखिए, बहुत सारे लोग, मतलब पांच भाई, तीन भाई, दो भाई हैं, तो जितने भी होंगे, जितने के नाम पर जमीन अब होने वाला है, उतना का आधार कार्ड हम लगाएंगे। ठीक है, या एक है तो एक का ही आधार कार्ड लगाएंगे। उनके बाद जो है जमीन का रसीद जो है हमें देना होगा। करंट का रसीद हम देंगे तो और मेरे लिए बेस्ट होगा। बाद में पुराना का भी, अगर पुराना वाला भी रसीद है तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन करंट ही दीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, आधार कार्ड आपको बता दिया, उसके बाद जमीन का रसीद बता दिया, उसके बाद जो आपको एक सर्वे का फॉर्म आता है। ठीक है, सर्वे का फॉर्म आपको भर करके देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वंशावली जो है आपको लगाना पड़ेगा साथ में, वंशावली। अब देखिए, सर्वे फॉर्म में आपको यही भरना रहता है, आपका मतलब किसके नाम पर जमीन है, कितना खाता है, कितना खेसरा है, कितना रकबा है, कितना चौहद्दी, मतलब उस खाता खेसरा रकबा का चौहद्दी क्या क्या है, वो सब चीज क्लियर करके उसमें लिखना होता है, किसके नाम पर जमीन है, गांव का नाम, मौजा मतलब नाम, हल्का का नाम, पंचायत वगैरह वगैरह, ये सर जानकारी जो है हमें उस फॉर्म में फिलअप करना होता है। तो वो आप कलम से फॉर्म को लेकर के फिल कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वंशावली, वंशावली में देखिए होता क्या है, वंशावली में आपको केवल ये दर्शाना रहता है कि किसके नाम पर जमीन है। बाद में मान लेते हैं पिताजी के नाम पर जमीन है, हम आपको यहाँ पर एक वंशावली का डेमो आपको डाल करके समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, ये नहीं कि ये जो है पिताजी के नाम पर जमीन है, उनके मतलब तीन बेटे हैं। ठीक है, तीन लड़का है, यहाँ पर हम एक डाल दिए हैं, यहाँ पर दो डाल दिए, यहाँ पर तीन डाल दिए। ठीक है, यही पर आपको सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। अब देखिए, पिताजी के नाम पर जमीन है, अगर तीनों भाई के बीच में जमीन को अगर लेना है तो तीनों भाई के नाम से जो है जमीन डाल करके देंगे। अब जो भी जमीन होगा टोटल, एक एकड़ पांच डिसमिल या फिर जितना भी डिसमिल होगा, तीनों के नाम पर आ जाएगा।
ठीक, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमें जो है मतलब पिताजी के नाम पर जमीन है और भाई के बीच में जो है बंटवारा होकर के आ जाए, तो ये भी संभव है। आप जो है इसी में बंटवारा करके आप लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप 100 रुपया का एक स्टाम्प ले लीजिए, उसके बाद जो है जैसे आप कोर्ट से परचेज करोगे 100 रुपये का स्टाम्प, इसी पर जो है आपको नोटरी करवा लेना है और जितने भाई के नाम से जमीन करना है वो सभी का नाम दर्शाना है, सबका हिस्सा का कितना जमीन होता है वो दर्शाना है, और आपको जो अपने ग्राम पंचायत में मुखिया, फिर जो भी आपके ग्राम प्रधान होते हैं जिससे कि सरपंच बोलते हैं, उससे आपको साइन करवा लेना है, और वो जो है सहमति जिसे हम बोलते हैं या बंटवारा नामा, ठीक है, वो आपको सर्वे में लगा देना है, ठीक है। तो आपके भाई के नाम पर जितना जितना बंटवारा करना है वो आपका हो जाएगा, उसमें रजिस्ट्री कराने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपका काम सर्वे में हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप तीनों के नाम पर करना चाहें तो एक ही बार में जो है आप भर करके फॉर्म को दे सकते हैं। तो आपको वंशावली फॉर्म इसी तरह से भरना है कि यानी कि किसके नाम पर जमीन है, किसके नाम पर होना है वो चीज बताना है। पिताजी के नाम पर है तो पिताजी का जितना भी लड़का होगा सबका नाम लिखेंगे, अगर एक ही है तो एक एक का नाम लिखेंगे। अब मान लेते हैं किसी के नाम पर पर्सनल, मान लीजिए कि मेरे नाम पर जमीन है, हमको भाई किसी को देना ही नहीं है, अपने नाम पर रखना है, तो वहां पर वंशावली का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वंशावली भी लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। बाय द वे, अगर आपका मांगता है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें मेरा जमीन है और मेरे ही नाम पे रह जाएगा, तो उसमें वंशावली का कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, बाप दादा फिर परदादा के नाम से जमीन है तो वंशावली आपको उसमें लगाना मैंडेटरी है, तो वो चीज आप लगा करके फॉर्म को जमा करेंगे। तो इस तरह से आपको वंशावली का फॉर्म भरना है। तो अब आप समझिएगा कि इसमें पेमेंट जो है भाई आपका कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है। टोटल पेमेंट जो आपका खर्चा होगा वो कितना होगा, तो देखिए हम आपको बता देते हैं, इसमें पेमेंट जो आपका खर्चा होगा वो 1 भी रुपया खर्चा नहीं होता है, ठीक है। मतलब 0 पेमेंट पर आपका काम हो जाता है, इसमें जो है 0, नो पेमेंट, कोई पेमेंट देने का जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये एक देखिए सरकारी मतलब काम है और आपको पेमेंट का कोई डिमांड नहीं किया जाता है। जब आप जाएंगे फॉर्म को भर करके जमा करने के लिए सर्वे विभाग में या फिर सर्वे डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी लोग होते हैं उनको जब आप देंगे तो वहां पर पेमेंट का कोई डिमांड नहीं किया जाता है, तो आपको ये इसमें काम करवाने में पेमेंट नहीं लगता। हाँ, जो भी जीरोक्स वगैरह में 2, 4, 5, 10 पीस लगता है वो आपको देना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, वो एक अलग बात हो जाता है, ठीक है। बट इसमें सर्वे में आपको पेमेंट नहीं लगता है। देखिए सर्वे में फॉर्म जमा कर देने के बाद उसका उनके बाद जो है क्या प्रक्रिया रहता है, आपको केवल इंतजार करना होता है एक रसीद का। सर्वे में जब आप फॉर्म को दे दोगे, जमा कर दोगे, उनके बाद आपके आएंगे यहाँ पर आपके जमीन पर वेरिफिकेशन करने के लिए, जमीन को नापने के लिए। जब आप नापने के लिए आएंगे तो वहां पर आपको मौजूद रहना है और मौजूद रह करके जो आपको बताना है कि मेरा चौहद्दी ये है। देखिए भाई, खाता खेसरा अगर मिस भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है, बट आपका चौहद्दी जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। बाय द वे, मान लेते हैं मेरा नाम जो भी है आपको पता है रुपेश है, अगर आपको कोई बता देगा कि भाई रुपेश के यहाँ चले जाओ तो आप नहीं आ पाओगे, अगर मेरा कोई लोकेशन बता देगा तो आप फटाक से पहुंच जाओगे। तो मेन जरूरी है लोकेशन, तो आपको जमीन का जो है चौहद्दी एक लोकेशन हो जाता है, तो वो मेन जरूरी है। तो आपको चौहद्दी गड़बड़ा मतलब जो उसको गड़बड़ाना नहीं है, वो आपको एक्यूरेट बताना है कि चौहद्दी ये है। आप अपने प्लॉट पर खड़े रहिए और जो है उनको बताइए कि मेरा चौहद्दी ये है, आपका जो भी जमीन होगा वहां पर तुरंत नाप करके वो लोग चले जाएंगे, तो वहां पर आपको मौजूद रहना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आपको में काम करना होता है, वहां पर लगे रहना रहता है कि ताकि मेरा जमीन जो है वो गड़बड़ ना हो। उनके बाद जो है आपको इनका रिसीविंग आता है, रिसीविंग में जो है उसमें आपका तमाम जानकारी दिया रहता है कि आप किन के नाम से फॉर्म भरे, जिसके नाम से फॉर्म भरे हैं उनका नाम आया है, उसका नाम सही है या फिर गलत है, ये सब जो जानकारी आप फॉर्म भर करके देंगे ना वही जानकारी का आपको रिसीविंग मिलेगा। उसमें सब सही जानकारी आप देख लीजिए, अगर आपका ठीक रहता है तो ठीक है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ा जाता है तो आप दोबारा जाकर के आपत्ति का फॉर्म आता है वो ऑफलाइन भर करके दीजिएगा कि इसमें ये चीज गलती हो गया है, इसको जो है आगे अपडेट कर दीजिए या फिर सुधार कर दीजिए, तो वो आपका सुधार हो जाएगा। देखिए एक हम आपको यहाँ पर लिखे हैं सहमति नामा। भाई सहमति नामा क्या होता है कि अब देखिए मान लेते हैं कि मेरे पिताजी के नाम पर जमीन है, हम डेमो पर्पज के लिए समझा रहे हैं, मेरे पिताजी के नाम पर जमीन है, हम चार भाई हैं, ठीक है, हम चार भाई हैं। अब चार भाई में क्या हुआ कि हमारा जो है दो भाई जमीन वो अपना अपना हिस्सा बेच दिया है, हम बच गए दो भाई। अब उस जमीन का हम सर्वे कैसे करवाएंगे, तो देखिए उसके लिए हमें एक सहमति नामा जो है बनवाना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हो, ये आपका सहमति नामा है, ठीक है, कुछ इसी तरह से हमें बनवाना पड़ेगा। उस सहमति नामा में ये लिखेंगे कि जमीन जो है इसके नाम पर है, फलाने आदमी के नाम पर जमीन है और फलाने आदमी का इतना बेटा है, जिनमें जो है ये लोग जो है दो बेटा जो है इनका जमीन ऑलरेडी बेच चुका है और जो भी जमीन बचता है वो दो बेटे के नाम पर जमीन जाना चाहिए, वो सहमति नामा पर लिखा रहता है। वहां पर कोर्ट पर कोर्ट में ही उस पर नोटरी पब्लिक सब कुछ करवा लेना है, और जो जमीन बेच दिया है उससे भी आपको साइन उस पर करवाना होता है कि नहीं, उस पर ये लिखा रहता है कि जो भी जमीन बचा हुआ है वो मेरे दोनों भाई के नाम पर होना चाहिए और मेरा जो है इस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है।
इस चीज ये चीज क्लियर करके उस पर लिखा रहता है, और जो है जो जमीन बेचा हुआ है उससे साइन करवाना होता है, तब जाकर के वो सहमतिनामा का आपका वैल्यू देगा, ठीक है। और जो भी जमीन बचता है भाई का, अब वो जो है दोनों के नाम पर आप सर्वे में डाल करके उसके नाम पर करवा सकते हैं, इस तरह से आपका सहमतिनामा होता है। अब देखिए बहुत लोग जो कहेंगे कि बंटवारा नामा क्या होता है, तो बंटवारा नामा भी वही हुआ। देखिए हम आपको अभी समझा ही दिए कि बंटवारा नामा क्या होता है, अगर आपको बंटवारा भी करना है तो हम आपको वंशावली फॉर्म में समझा ही दिए कि किस तरह से करना है। स्टाम्प लेंगे, सभी जमीन को बांट देंगे, सभी भाई के नाम पर कर देंगे, फॉर्म भर करके सर्वे में लगा देंगे कि इस भाई के नाम पर इतना इतना जमीन जो है बंटवारा हो चुका है, इतना इतना के नाम से आपको भर करके सर्वे में दे देना है। अब देखिए फॉर्म जो है जमा कर देने के बाद क्या करना है आपको बताइए दिए, कुछ नहीं करना है, वेट करना है रसीद का, ठीक है। हम आपको यहाँ पर बताए हैं पिताजी के नाम पर जमीन है, पांच भाई हैं, चार पांच भाई हैं, उसमें से कुछ बेच दिए हैं, तो उनका कैसे क्या करना है वो भी आपको बताइए दिए कि जो लोग बेच दिए हैं उससे आपको सहमति लेना है, सहमति नामा बनवा करके, ठीक है। और जो भी जमीन बचता है जिसके नाम पर होना चाहिए वो एग्री कर देंगे, उसके नाम पर जमीन हो जाएगा बहुत आसान तरीका से। अब देखिए ये जो है हम खुद करवाए हुए हैं, ठीक है। अभी जो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखाएं, ये मेरा खुद का एविडेंस था, हम आपको जो यहाँ पर दिखाएं, तो इस तरह से जो हम लोग का सर्वे हुआ है। ऑलमोस्ट दोस्तों हम आपको सभी जानकारी इस वीडियो में दे दिए हैं, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। बाय द वे अगर आप और कुछ समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब देखिए हो सकता है ये वीडियो बनाने में हमसे कुछ गलती हो गया हो, या फिर मिस हो गया हो, या फिर हम कुछ छोड़ दिए हैं, तो इसके लिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके जो है माफी चाहते हैं, क्योंकि हम जो है कोई सर्वे डिपार्टमेंट का दोस्तों लोग नहीं है, सर्वे डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी नहीं है, एक यूट्यूबर है जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर के हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो हम भी जो है हम लोगों को भी उतना प्रॉपर तरीका से नॉलेज जो है नहीं होता है, पर जितना हम लोग जानते हैं उतना हम आप लोगों को बताते हैं। और देखिए दोस्तों अब ऐसा नहीं कि अब फालतू का कुछ से कुछ आप लोगों को बता दे, नहीं ना भाई, हम लोगों को पता होता है उतना हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करते हैं। ऑलमोस्ट तो आपको सभी जानकारी दे दिया दोस्त, कुछ अगर आपको पूछना हो जानना है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय द वे हमारा सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा जो हमसे पूछना होगा। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।